फैसले की खड़ी, संसद भंग करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 3 महीने में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराने से खड़े किए हाथ। बूचा नरसंहार पर जेलेंस्की का बदला लेने वाली थ्योरी, कहा ना भूलेंगे ना करेंगे माफ। रूस को बाइडेन ने ठहराया युद्ध का अपराधी। गोरखपुर हमले में अंसार हिंद से आरोपी के तार होने के संकेत, मुंबई तक गई जांच टीम। फोन और लैपटॉप में सबूत, सुरक्षा एजेंसियों को मिले अहम सुराग। सांसदों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र, अपने इलाके में जाकर बताएं सरकारी योजनाओं का लाभ। गुजराती टोपी में दिखाई पड़े सभी बीजेपी सांसद। कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना, कहा बांटने वाली राजनीति कर रही है बीजेपी, सभी को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। राजस्थान में लिखी गई हेल्थ की नई इबारत, सीएम गहलोत ने रखी देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर की नींव। ममता एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, गहलोत सरकार के मेडिकल विजन को ख्यातनाम डॉक्टर्स ने सराहा। विधानसभा में जल्द आएगा राइट टू हेल्थ का बिल, मुख्यमंत्री गहलोत ने किया ऐलान, कहा प्राइमरी से ही हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए। मेडिकल के लिए हमें खजाना खोल दिया है, राजस्थान चिकित्सा क्षेत्र में देश में बने मॉडल। करौली उपद्रव की जांच करने पहुंची बीजेपी और कांग्रेस की टीम, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने कलेक्टर एसपी से की चर्चा। बीजेपी नेता बोले सोची समझी साजिश के तहत हुई है हिंसा, घटना के 45 मिनट के बाद पहुंची पुलिस। रमजान में निर्बाध बिजली आपूर्ति के आदेश पर ट्रोल होने से बिजली विभाग बैकफुट पर, जोधपुर डिस्कॉम ने बदला आदेश। ऊर्जा मंत्री ने बताया रूटीन प्रक्रिया, कहा बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है। जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, बस में करंट फैलने से 3 यात्रियों की मौत, 8 यात्री झुलसे। नागौर के लाडू में करंट की चपेट में आने से बच्चे की मौत, 1 बच्चे का इलाज जारी।